स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने किसी भी मोबाइल में ये जो आपका पॉपअप कैमरा होता है, यदि ये आपका काम नहीं कर रहा है, जब भी आप सेल्फी मोड में फ्लिप करते हो तब आपका ये काम नहीं करता है, ऊपर नहीं उठता है, तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा मेरा तो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले मेरा ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, एकदम नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट पर। ठीक है, ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ढूंढना है सिस्टम ऐप लॉन्चर। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको सो सिस्टम दिखाई दे रहा है, चलिए मैं बैक चले जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो सो सिस्टम प्रोसेसेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, आप जैसे कि देख सकते हो सिस्टम लॉन्चर, यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर ढूंढ के इसके ऊपर जाना है, स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे क्लियर डाटा क्लियर कर देना है। ठीक है, क्लियर डाटा करने के बाद में यहाँ पे इसे क्लियर कर देना है, ये क्लियर कर देना है और क्लियर करने के बाद में आपको बैक जाना है, बैक चले जाइएगा। उसके बाद में अपना मोबाइल को जो है बैक आप यहाँ पे आज चले आइए फिर से एप्लीकेशन पे और यहाँ पे आपको कैमरा ढूंढना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना कैमरा ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर ये कैमरा आ चुका है, कैमरा के ऊपर क्लिक करना है, स्टोरेज यूसेज में जाना है और यहाँ पे क्लियर डाटा में क्लिक करना है इसे भी और यहाँ पे इसे क्लियर कर देना है। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद में एक बार चेक कीजिए आपका कैमरा जो है ये आपका फ्लिपिंग काम करने लगेगा। यदि फिर भी आपका काम नहीं करता है तब आपको सेटिंग्स पर जाना है और सेटिंग्स में जाके आपको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग्स पर चले जाइए और यहाँ पर एकदम नीचे चले आइए, बैकअप एंड रीसेट पर चले जाइए और रीसेट टू फैक्ट्री पर चले जाइए एकदम नीचे और यहाँ पर आपको जाना है रीसेट सिस्टम सेटिंग। ये करने से क्या होगा दोस्तों, ये रीसेट सिस्टम सेटिंग करने से क्या होगा कि आप कंपनी से जो आपका सेटिंग्स आया था वही सेटिंग्स पे डिफॉल्ट रह जाएगा और आपका जितना भी सेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम था होगा तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। बाई एनी चांस यदि सॉल्व नहीं होता है तब तो दोस्तों आपका हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो अब तो आपको टेक्नीशियन के पास ही जाना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।